मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब होगा क्या हेमंत? उन सब लोगों को उनके तकब्बुर और घमंड की सजा मिल रही है बस। मुझे तो आगा जी की फिक्र हो रही है, वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे। मास इस उम्र में अगर कोई उनको धचका लग गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुदा ना खास। अल्लाह ना करे। हेमंत, आपको लगता है मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है, हर कोई एक दूसरे से खफा है, उलझ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसे वक्त में आपका जाना मुनासिब है। मैं तो खुद यहाँ पर कुछ देर के लिए आ गई हूँ। घुटन होती है उस बड़े से घर में, यहाँ कितना सुकून है। सोच ले मैं, कहीं ये सुकून वक्ती ना हो। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप हमेशा से मुझे लेके बदगुमान रहे हैं। आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ मेरे जज्बात बदल जाएंगे और मैं अपने फैसले पे पछताऊंगी, ये लगता है आपको? भाई कर दिया ना हेमंत को नाराज आपने। यही तो मसला है, बहन से नाराज नहीं रह सकती। I'm sorry. मेरा मकसद आपको नाराज करने का नहीं था। मैं बहुत जल्द दादाजी से आपका हाथ मांग लूंगा, बस थोड़ा सा वक्त और रह गया। मेरा सारा वक्त आपके लिए है।